आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, आज लाइफ साइंस चैप्टर 3 हेरिडिटी एंड सम कॉमन जेनेटिक डिजीजेस, अनुवांशिकता और कुछ अनुवांशिक बीमारी पार्ट 4 में हम लोग सीखेंगे कुछ अनुवांशिक बीमारियों के बारे में और इंटर रिलेशनशिप अमंग क्रोमेटिन डीएनए एंड जीन, किस तरह से क्रोमेटिन डीएनए और जीन एक दूसरे से संबंधित हैं। तो चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर में पहला टॉपिक सम कॉमन जेनेटिक डिजीज या अनुवांशिक बीमारी। किसे कहते हैं अनुवांशिक बीमारी या जेनेटिक डिजीज? वह बीमारी जो दोषपूर्ण जीन के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है, ऐसे अनुवांशिक बीमारी को हम लोग जेनेटिक डिजीज या अनुवांशिक बीमारी कहते हैं। अनुवांशिक बीमारी समझने से पहले हम लोग एक बार देख लें, मनुष्य में क्रोमोजोम की संख्या कितनी है? 2N = 46। क्रोमोजोम मनुष्य में हमेशा जोड़े में पाया जाता है, तो 2N = 23 पेयर भी लिख सकते हैं, 23 पेयर। और द्विगुणित अवस्था में क्रोमोजोम कहाँ पाया जाता है? शारीरिक कोशिका में। स्त्री में क्रोमोजोम को कैसे प्रदर्शित करेंगे? 22 पेयर प्लस XX। स्त्रियों में 22 पेयर क्रोमोजोम जो है ऑटोजोम, और XX क्रोमोजोम लैंगिक क्रोमोजोम, और इसमें लैंगिक क्रोमोजोम या सेक्स क्रोमोजोम जो है होमोजाइगस अवस्था में एक ही तरह का XX क्रोमोजोम पाया जाता है। तो स्त्री में क्रोमोजोम को हम लोग 22 पेयर प्लस XX या 44 प्लस XX भी लिख सकते हैं। और पुरुषों में क्रोमोजोम को कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो 22 पेयर ऑटोजोम प्लस एक जोड़ा असमान क्रोमोजोम XY हेट्रोजाइगस कंडीशन में लैंगिक क्रोमोजोम या सेक्स क्रोमोजोम। तो पुरुषों में क्रोमोजोम 22 पेयर प्लस XY यानी 44 प्लस XY भी लिख सकते हैं। 22 पेयर या 44 क्रोमोजोम जिसको हम लोग ऑटोजोम या सोमेटिक क्रोमोजोम या बॉडी क्रोमोजोम भी बोलते हैं, ये पुरुष और स्त्री दोनों में एक समान होते हैं। और इसे ऑटोजोम या बॉडी क्रोमोजोम या सोमेटिक क्रोमोजोम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस क्रोमोजोम पर जो जीन है वो शारीरिक लक्षण को निर्धारित करता है। इसके अलावा स्त्रियों में XX क्रोमोजोम होमोजाइगस अवस्था में लैंगिक क्रोमोजोम, पुरुषों में लैंगिक क्रोमोजोम हेट्रोजाइगस अवस्था में XY। XX क्रोमोजोम और XY क्रोमोजोम को हम लोग सेक्स क्रोमोजोम या एलोजोम बोलते हैं। एक जोड़ा जो क्रोमोजोम है पुरुष और स्त्री में होमोजाइगस अवस्था में XX और पुरुष में XY हेट्रोजाइगस अवस्था में, इस एक जोड़ा क्रोमोजोम को हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम या एलोजोम या लैंगिक क्रोमोजोम, क्योंकि इस क्रोमोजोम पर जो जीन पाया जाता है वो लैंगिक लक्षण को निर्धारित करता है। XX क्रोमोजोम को हम लोग डबल स्ट्रेट लाइन से भी दिखाएंगे और XY क्रोमोजोम को एक सिंगल स्ट्रेट लाइन से, एक्स के लिए सिंगल स्ट्रेट लाइन और वाई के लिए स्ट्रेट लाइन, थोड़ा कर्व हो जाता है ऊपर जा करके, तो XY क्रोमोजोम को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हम लोग देख लें अनुवांशिक बीमारी का कारण क्या है, क्या कॉजेस क्या है, किस कारण से अनुवांशिक बीमारियां हो रही हैं। तो अनुवांशिक बीमारियां जो होती है दोषपूर्ण जीन के कारण होती है। ये दोषपूर्ण जीन ऑटोजोम पर भी उपस्थित रह सकता है, प्रभावी जीन या डोमिनेंट जीन के रूप में, या अप्रभावी जीन रिसेसिव जीन के रूप में। और ये दोषपूर्ण जीन या डिफेक्टिव जीन सेक्स क्रोमोजोम या लैंगिक क्रोमोजोम एक्स और वाई के ऊपर भी रह सकता है, और अप्रभावी जीन रिसेसिव जीन के रूप में रह सकता है और डोमिनेंट या प्रभावी जीन के रूप में रहेगा। जब प्रभावी जीन के रूप में रहेगा दोषपूर्ण जीन या डिफेक्टिव जीन, तो उसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे, और अगर अप्रभावी जीन के रूप में रहेगा तो उसे स्मॉल लेटर से लिखेंगे। अब हम लोग देख लें अनुवांशिक बीमारियां कितने प्रकार की होती है। अनुवांशिक बीमारियों को 4 भागों में बांटा गया है। या तो वो ऑटोजोम पर उपस्थित प्रभावी जीन या प्रभावी जीन के कारण हो रहे हैं, या सेक्स क्रोमोजोम पर उपस्थित डोमिनेंट या रिसेसिव जीन के कारण। तो इसके कारण जेनेटिक डिजीज का 4 टाइप्स 4 प्रकार के, ऑटोजोम पर उपस्थित प्रभावी या डोमिनेंट जीन के कारण, दूसरा ऑटोजोम पर उपस्थित अप्रभावी या रिसेसिव जीन के कारण, तीसरा लैंगिक या सेक्स क्रोमोजोम या एक्स और वाई क्रोमोजोम पर उपस्थित प्रभावी या डोमिनेंट जीन के कारण, और चौथा है लैंगिक या सेक्स क्रोमोजोम एक्स एंड वाई पर उपस्थित अप्रभावी या रिसेसिव जीन के कारण। अब हम लोग
आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं कि कैसे हम लोग कोई भी अनुवांशिक बीमारी या जेनेटिक डिजीज़ को कहेंगे कि यह अनुवांशिक बीमारी जो है डोमिनेंट या प्रभावी जीन के कारण हो रही है, या ये अनुवांशिक बीमारी जो है अप्रभावी जीन के कारण हो रही है। तो कोई भी अनुवांशिक बीमारी जो है अगर प्रभावी जीन के कारण होती है, डोमिनेंट जीन के कारण होती है, तो उसका स्थानांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। वो प्रभावी जीन या तो ऑटोजोम पे हो सकता है या सेक्स क्रोमोजोम एक्स और वाई पर हो सकता है। तो प्रभावी जीन के कारण जो अनुवांशिक बीमारियां हो रही है उसका स्थानांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, वहाँ पर कोई स्किप अप जनरेशन नहीं होता, वो हर पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। अगर अनुवांशिक बीमारी हर पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती है, मतलब पहली पीढ़ी में हुई तो दूसरे में नहीं तीसरे में होगी, तो यहाँ पर पीढ़ी का स्किप होता है, स्किप जनरेशन होता है। हर पीढ़ी में ये बीमारी नहीं दिख रही है अगर, तो वो जो अनुवांशिक बीमारी जो है अप्रभावी जीन के कारण या रिसेसिव जीन के कारण हो रही है, और ये अप्रभावी जीन ऑटोजोम पे उपस्थित रह सकता है और सेक्स क्रोमोजोम एक्स और वाई क्रोमोजोम पर भी उपस्थित रह सकता है। नेक्स्ट हम लोग ये देख लें कि कोई भी अनुवांशिक बीमारी जो है किसके कारण हो रही है, ऑटोजोम पर स्थित अप्रभावी जीन या ऑटोजोमल रिसेसिव जीन के कारण हो रही है, या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन या एक्स क्रोमोजोम पर उपस्थित अप्रभावी जीन के कारण हो रही है। तो अगर इसको समझना है कि कोई भी अनुवांशिक बीमारी जो है वो सेक्स लिंक्ड अप्रभावी जीन के कारण हो रही है, तो कैसे समझेंगे? अगर अनुवांशिक बीमारी सेक्स लिंक्ड या एक्स क्रोमोजोम पर उपस्थित अप्रभावी जीन के कारण होती है, तो उस बीमारी का स्थानांतरण क्रिस क्रॉस पैटर्न में होता है, हमेशा माँ से बेटे में, मदर से सन में और फादर से डॉटर में स्थानांतरित होता है। और अगर वो बीमारी जो अनुवांशिक बीमारी ऑटोजोमल अप्रभावी जीन के कारण होती है, तो अनुवांशिक बीमारी अगर ऑटोजोमल अप्रभावी जीन के कारण हो रही है, तो उसका इनहेरिटेंस पैटर्न क्रिस क्रॉस पैटर्न की तरह नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि अनुवांशिक बीमारी सेक्स लिंक्ड या एक्स लिंक्ड है, क्योंकि उसका इनहेरिटेंस पैटर्न जो है वो उसका स्थानांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी क्रिस क्रॉस पैटर्न में होता है। और अनुवांशिक बीमारी ऑटोजोम अप्रभावी जीन के कारण हो रही है, क्योंकि उसका स्थानांतरण क्रिस क्रॉस पैटर्न में नहीं होता, माँ से बेटे में नहीं आता, पिता से बेटे में नहीं जाता, बल्कि वो माँ से बेटे में भी आ सकता है, पिता से बेटे में भी जा सकता है। अब हम लोग देख लें सेक्स लिंक इनहेरिटेंस ऑफ डिजीज या लिंग संलग्न बीमारी किसे कहते हैं। अगर अप्रभावी जीन अनुवांशिक बीमारी का अप्रभावी जीन या रिसेसिव जीन लैंगिक क्रोमोजोम एक्स और वाई क्रोमोजोम पर है, एक्स या वाई क्रोमोजोम पर, और एक्स और वाई क्रोमोजोम से जुड़ करके पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो रहा है, तो ऐसे अनुवांशिक बीमारी को हम लोग कहते हैं सेक्स लिंक्ड बीमारी या एक्स लिंक्ड अनुवांशिक बीमारी या लिंग संलग्न बीमारी। तो अप्रभावी जीन या तो एक्स क्रोमोजोम से जुड़ा हो सकता है दोषपूर्ण जीन, और वाई क्रोमोजोम से भी जुड़ा रह सकता है अप्रभावी जीन, और पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी को स्थानांतरित कर सकता है। तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस ऑफ डिजीज या लिंग संलग्न बीमारी या सेक्स लिंक्ड अनुवांशिक बीमारी कितने तरह की हो गई? दो तरह की। एक्स लिंक्ड अप्रभावी जीन के द्वारा होने वाली बीमारी, और वाई लिंक्ड अप्रभावी जीन या रिसेसिव जीन के द्वारा होने वाली बीमारी। एक्स लिंक्ड अप्रभावी जीन के द्वारा होने वाली बीमारी किसे कहते हैं? तो कभी कभी दोषपूर्ण जीन एक्स क्रोमोजोम से जुड़ करके पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक बीमारी को स्थानांतरित करता है, तो उस बीमारी को कहते हैं एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड अनुवांशिक बीमारी। और कभी कभी अप्रभावी जीन वाई क्रोमोजोम से जुड़ करके पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी को स्थानांतरित करता है, तो उसे हम कहते हैं वाई लिंक्ड
अप्रभावी जीन या रिसेसिव जीन के द्वारा होने वाली बीमारी। एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन या अप्रभावी जीन, एक्स क्रोमोजोम पर उपस्थित अप्रभावी जीन के कारण होने वाली बीमारी कौन कौन है? वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। और वाई लिंक्ड या वाई जीन पर उपस्थित अप्रभावी जीन के द्वारा होने वाली बीमारी कर्णपल्लव में बाल, हेयर इन ईयर पीना और गंजापन या बाल्डनेस। वाई लिंक पर अनुवांशिक बीमारी का जीन बहुत ही कम रहता है और रहने पर भी इससे जो अनुवांशिक बीमारियां होती है वो उतनी हानिकारक नहीं होती है। एक्स क्रोमोजोम पर उपस्थित अप्रभावी जीन दोषपूर्ण जीन का स्थानांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी क्रिस क्रॉस पैटर्न में करती है, जैसे वो बीमारी का स्थानांतरण माँ से बेटे में, मदर से सन में आएगा और फादर से डॉटर या पिता से बेटी में आएगा। किंतु वाई क्रोमोजोम पर उपस्थित अप्रभावी जीन का स्थानांतरण क्रिस क्रॉस पैटर्न में नहीं होता है, इसका स्थानांतरण हर पीढ़ी में पिता से बेटे में जाएगा, फादर से सन में जाएगा और हमेशा इसका स्थानांतरण पिता से बेटे में क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर जो रिसेसिव जीन है, अप्रभावी जीन है, सिर्फ वाई क्रोमोजोम पर पाया जाता है। वाई लिंक्ड रिसेसिव जीन या अप्रभावी जीन को हम लोग होलैंड्रिक जीन भी कहते हैं। अब हम लोग देख लें कुछ अनुवांशिक बीमारी के बारे में जो ऑटोजोमल रिसेसिव जीन या ऑटोजोम पर उपस्थित अप्रभावी जीन के कारण होती है। पहला है थैलेसेमिया। थैलेसेमिया ऑटोजोम पर उपस्थित अप्रभावी जीन के कारण होने वाली बीमारी है। यह एक रक्त रोग है और यह बीमारी माता पिता से संतान में आती है। सबसे पहले ये बीमारी मेडिटेरियन समुद्र के आसपास बसे लोगों में दिखाई दिया था। यह बीमारी माता पिता से संतान में आती है। माता पिता हमेशा इस बीमारी का वाहक होते हैं क्योंकि वो हेटरोजाइगस फॉर्म में होते हैं, उसमें एक जोड़ा असमान जीन पाया जाता है। वो बीमारी से ग्रसित नहीं होते किंतु वो कैरियर होते हैं, वाहक होते हैं। और अगर ये जीन थैलेसीमिया का होमोजाइगस अवस्था में बच्चों में प्रवेश कर जाता है, मदर और फादर का कैरियर हैं, मतलब उसमें थैलेसीमिया का जीन है मगर वो प्रभावी नहीं है, इसलिए वो रोग से ग्रसित नहीं है। अगर मदर से भी थैलेसीमिया का जीन और फादर से भी थैलेसीमिया का जीन बच्चों में स्थानांतरित हो जाता है, बच्चा होमोजाइगस कंडीशन में आ जाता है, तो बच्चा थैलेसीमिया से ग्रसित हो जाता है। तो हेटरोजाइगस अवस्था में ये वाहक हो जाते हैं और होमोजाइगस अवस्था में थैलेसीमिया का लक्षण दिखाई देता है बच्चों में। थैलेसीमिया का लक्षण क्या है? तो थैलेसीमिया बीमारी में हीमोग्लोबिन का निर्माण कम होता है। इस बीमारी को हम लोग हीमोलिटिक एनीमिया भी कहते हैं। इसमें आरबीसी का आकार छोटा हो जाता है, आरबीसी का रंग पीला होने लगता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा तो आरबीसी का रंग कैसा हो जाएगा? धीरे धीरे पीला होने लगेगा, क्योंकि आरबीसी का रंग लाल है हीमोग्लोबिन के कारण। और आरबीसी का जीवन काल भी कम होने लगता है, आरबीसी अल्पायु होने लगती है। आरबीसी का जीवन काल 90 से 120 दिन, लाइफ स्पैन 90 से 120 दिन होता है, वो भी कम होने लगता है और आरबीसी आसानी से टूट जाती है। और हीमोग्लोबिन की कमी से रक्त में ऑक्सीजन ढोने की क्षमता भी कम हो जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में भाग लेता है। अब आरबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा है, हीमोग्लोबिन बनने के लिए तत्व चाहिए आयरन। अब आयरन हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा है तो आयरन क्या, आयरन जमा होता जा रहा है आरबीसी में। आरबीसी में आयरन का हीमोग्लोबिन के निर्माण ना होने के कारण आयरन का जमाव बढ़ जाता है और यही आरबीसी जब रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में जाती है तो आयरन को विभिन्न अंगों में छोड़ती है, हार्ट में, लीवर में, अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड में, जिससे हार्ट, लीवर, एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथियां नष्ट हो जाती है और पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। थैलेसीमिया जो बीमारी है
विभिन्न प्रकार की होती है। एप्लास्टिक एनीमिया, इस बीमारी में बोन मैरो जहाँ पर बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा जहाँ पर RBC बनता है, WBC बनता है, तो उस बोन मैरो में वसा ऊतक जमा होने लगता है या ट्यूमर की कोशिका बनने लगती है, और जिसके कारण बोन मैरो या अस्थि मज्जा RBC का निर्माण नहीं कर सकता, तो उस थैलेसेमिया को हम लोग बोलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया, जहाँ पर बोन मैरो में अस्थि मज्जा में ट्यूमर बनने के कारण RBC का निर्माण नहीं हो रहा है। दूसरा है थैलेसेमिया का टाइप, जिसे हम परनीसियस एनीमिया कहते हैं। इसमें अस्थि मज्जा में विटामिन B12 की कमी से RBC बनना कम हो जाता है, जिसके कारण भी एनीमिया होता है, और इस एनीमिया को बोलते हैं परनीसियस एनीमिया। इसके अलावे आयरन की कमी से भी एनीमिया होती है, उस आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया को हाइपोक्रोमिया या माइक्रोसिटिक एनीमिया कहते हैं। ये भी एक तरह के थैलेसेमिया का टाइप है। तो थैलेसेमिया के बारे में संक्षेप में जानकारी मिल गई होगी, कैसे होता है, इसका क्या क्या सिम्टम है, कितने टाइप हैं। अब हम लोग दूसरा ऑटोजोमल अप्रभावी जीन से होने वाली बीमारी, ऑटोजोमल रेसेसिव जीन के कारण होने वाली बीमारी का एक एग्जाम्पल देख लें, वो है सिकल सेल एनीमिया। यह भी थैलेसेमिया की तरह रक्त रोग है, और इसका भी स्थानांतरण माता पिता से बच्चों में होता है। माता पिता इसमें भी दोनों रोग के वाहक हैं। वाहक है मतलब कैरियर है, कैरियर है मतलब उसमें सिकल सेल एनीमिया का जीन है मगर प्रभावी नहीं है, इसलिए वो रोग से ग्रसित नहीं होते हैं, किंतु उस समय वो रोग के वाहक हैं। अर्थात माता पिता हेटरोजाइगस अवस्था में है। हेटरोजाइगस अवस्था मतलब पेरेंट्स जो भी हैं नर, उसमें हेटरोजाइगस अवस्था में क्या जीन है, हीमोग्लोबिन का नॉर्मल जीन HbA, और हीमोग्लोबिन सिकल सेल एनीमिया का डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन जीन HbS हेटरोजाइगस अवस्था में है। इसमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन भी है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जीन भी है, और सिकल सेल एनीमिया का जीन भी है, मगर यह सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित नहीं है, हेटरोजाइगस अवस्था में है, किंतु रोग से प्रभावित नहीं है, किंतु रोग का वहन करते हैं। उसी तरह से माता जनक भी है, मदर पेरेंट भी है, उस वो भी हेटरोजाइगस अवस्था में, उसमें भी नॉर्मल एक हीमोग्लोबिन का जीन है HbA एंड सिकल सेल एनीमिया का जीन HbS, मगर वो भी ग्रसित नहीं है, हेटरोजाइगस अवस्था में है, रोग का कैरियर है। अगर ये दोनों पेरेंट में क्रॉस कराया जाए तो बच्चे में अगर सिकल सेल एनीमिया का जीन होमोजाइगस अवस्था में आ जाता है HbS अवस्था में, तो बच्चा सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित हो जाता है। तो होमोजाइगस अवस्था में यह जीन बच्चों में रोग उत्पन्न करता है, सिकल सेल एनीमिया का जीन। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में हीमोग्लोबिन बनाने का जीन है HbA नॉर्मल कंडीशन में ये जो जीन है कोड करता है सिंथेसिस, किसका सिंथेसिस या किसका संश्लेषण, ग्लूटामिक एसिड का, और ये ग्लूटामिक एसिड किसका संश्लेषण करता है, वैलिन प्रोटीन का, और ग्लूटामिक एसिड संश्लेषित करता है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का, और ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन नॉर्मल कंडीशन में हीमोग्लोबिन बनाता है। किंतु जब बच्चा में होमोजाइगस कंडीशन आ गया, हीमोग्लोबिन का जीन डिफेक्टिव हो गया, HbS फॉर्म में जीन है बच्चे में होमोजाइगस अवस्था में, तो वहाँ पर क्या होता है, ये डिफेक्टिव जीन जो है अब ग्लूटामिक एसिड के बदले क्या बनाने लगता है, वैलिन, और वैलिन बनने के बाद वहाँ पर ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का निर्माण रुक जाता है, और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का निर्माण रुक जाता है तो हीमोग्लोबिन का निर्माण भी रुक जाता है, और बच्चे में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और हीमोग्लोबिन की कमी के साथ साथ RBC का भी जो आकार है, RBC का नॉर्मल आकार है बायकनकेव यानी द्वितल आकार, वो भी चेंज हो जाता है, RBC का आकार हसिया या सिकल सेप हो जाता है, इसलिए इस बीमारी को हम लोग कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। अब कैसे होता है समझ गए, अब इस बीमारी का हम लोग लक्षण देख लेते हैं। इस बीमारी में क्या होता है, HbS हीमोग्लोबिन का डिफेक्टिव जीन होमोजाइगस अवस्था में होने के कारण ग्लूटामिक एसिड नहीं बनता है, और ग्लूटामिक एसिड के बदले क्या बन जाता है, वैलिन, और ये वैलिन जो है हीमोग्लोबिन का ग्लोब्यूलिन प्रोटीन निर्माण रोक देता है, जिससे हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाता,
और आरबीसी का जो नॉर्मल आकार है द्विउत्तल आकार बायकनकेप वो सिकल सेल या हंसिया के आकार में बदल जाता है और जिससे ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है, आरबीसी का आकार भी बदल जाता है। तो हम लोग दो ऑटोजोमल अप्रभावी जीन के कारण होने वाली बीमारी या ऑटोजोमल रिसेसिव जीन के कारण होने वाली बीमारी को समझे, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया। अब हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अब देख लेते हैं कुछ बीमारी जो कुछ अनुवांशिक बीमारी जो सेक्स लिंक्ड या एक्स लिंक्ड होती है या दोषपूर्ण जीन जो सेक्स क्रोमोजोम एक्स पर उपस्थित अप्रभावी जीन के कारण हो रही है। इसका उदाहरण हम लोग पहले ही पढ़े थे, सेक्स लिंक्ड या एक्स लिंक्ड पर उपस्थित अप्रभावी जीन के कारण होने वाली बीमारी हीमोफीलिया और दूसरा वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस। अब हम लोग देख लेते हैं हीमोफीलिया क्या है। तो हीमोफीलिया यह सेक्स क्रोमोजोम यानी एक्स क्रोमोजोम पर उपस्थित अप्रभावी हीमोफीलिया के जीन के कारण होती है और हीमोफीलिया का जीन अप्रभावी अवस्था में है तो उसको प्रदर्शित करेंगे एक्स के ऊपर स्मॉल एच लिख करके, हीमोफीलिया का जीन स्मॉल लेटर से लिखेंगे एक्स पर एच जीन स्मॉल फॉर्म में, या सिंगल डैश लाइन सिंगल स्ट्रेट लाइन उसके ऊपर एच के रूप में, और इस बीमारी को ब्लीडर्स डिजीज भी कहा जाता है क्योंकि इस बीमारी में जब शरीर का कोई भी अंग कट जाता है तो उस स्थान से रक्त का बहना बंद नहीं होता, रक्त को बंद होने में लगभग 24 घंटा का समय लग जाता है। किंतु नॉर्मली जब कोई अंग कटता है सामान्य रूप से तो वहाँ पर रक्त का थक्का 2 से 8 मिनट में बन जाता है, रक्त जमने में 2 से 8 मिनट का समय लगता है। किंतु हीमोफीलिया के कंडीशन में रक्त को जमने में या रक्त का थक्का बनने में 24 घंटा से भी अधिक समय लग जाता है, शरीर से सारा रक्त निकल जाता है और इस कंडीशन में रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। सबसे पहले इस बीमारी का खोज इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के परिवार में हुआ था, इसलिए इस बीमारी को रॉयल फैमिली बीमारी भी कहते हैं, और इस बीमारी की खोज जॉन ऑटो ने 1803 में इंग्लैंड के महारानी के परिवार में किया था, इसलिए इसका नाम रॉयल फैमिली डिजीज़ भी है। और यह बीमारी सेक्स क्रोमोजोम यानी एक्स क्रोमोजोम पर उपस्थित हीमोफीलिया के अप्रभावी जीन स्मॉल एच के कारण होता है और इसका स्थानांतरण क्रिस क्रॉस पैटर्न में होता है, यानी माँ से बेटे में, मदर टू सन एंड फादर से डॉटर यानी पिता से बेटी में। और इस बीमारी में स्त्रियां हमेशा कैरियर या वाहक होती है, उसमें हीमोफीलिया का जीन तो होता है मगर वो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित नहीं होती, किंतु पुरुष में अगर हीमोफीलिया का जीन आ जाता है तो वो हीमोफीलिक हो जाता है। इस बीमारी में क्या हो जाता है, शरीर का पूरा रक्त बाहर निकल जाता है, मृत्यु भी हो सकती है, और बीमारी में रक्त जमने का कारक जो है एंटी हीमोफीलिक ग्लोब्यूलिन की कमी हो जाती है। अब हम लोग देख लें किस तरह से क्रिस क्रॉस पैटर्न में हीमोफीलिया का जीन विभिन्न केस में किस तरह से स्थानांतरित हो रहा है। नॉर्मल फीमेल सामान्य स्त्री का अगर मेटिंग या क्रॉस कराया जाए हीमोफीलिक पुरुष से तो किस तरह से क्रिस क्रॉस पैटर्न में हीमोफीलिया का जीन स्थानांतरित हो रहा है। तो पहले हम लोग कंडीशन मिला नॉर्मल फीमेल, उसका जेनोटाइप क्या होगा एक्स एक्स, और उसका क्रॉस या मेटिंग होगा हीमोफीलिक पुरुष, उसका जेनोटाइप हीमोफीलिक है और एक्स पर ही हीमोफीलिया का जीन पाया जाता है एक्स क्रोमोजोम के ऊपर ही, वाई पर नहीं, तो मेल का जेनोटाइप हो जाएगा एक्स एच वाई। अब फीमेल पेरेंट में दो एग या दो फीमेल गैमेट बनेंगे, गैमेट में एक गैमेट में एक्स क्रोमोजोम, दूसरा गैमेट में भी एक्स क्रोमोजोम। उसी तरह से मेल में भी दो स्पर्म या दो नर गैमेट बनेंगे, एक में एक्स एच जीन दूसरे में वाई जीन। अब पनेट स्क्वायर बोर्ड पे एक तरफ मेल गैमेट लिखेंगे एक तरफ फीमेल गैमेट लिखेंगे, मेल गैमेट बना था एक्स एच एंड वाई लिख दिए बॉक्स के ऊपर, फीमेल गैमेट बना था एक्स एंड एक्स। अब क्रॉस कराएंगे, क्रॉस कराएंगे फर्स्ट फीमेल गैमेट को
फर्स्ट फीमेल गैमेट को दोनों मेल गैमेट से और फर्स्ट ऊपर वाले बॉक्स में भरेंगे एक्स एस एच एक्स एच एक्स एक्स एच एक्स एंड वाई सेकेंड बॉक्स में। अब सेकेंड फीमेल गैमेट को क्रॉस करा रहे हैं दूसरे मेल गैमेट, सेकेंड फीमेल गैमेट को दोनों मेल गैमेट से क्रॉस कराएंगे, रिजल्ट एक्स एक्स एच एक्स वाई। जेनोटाइप पता है, फेनोटाइप लिख लेंगे। एक्स एक्स मतलब गर्ल चाइल्ड, एक हीमोफिलिक जीन एक्स क्रोमोजोम के ऊपर गर्ल कैरियर या वाहक, एक्स वाई लड़का या बॉय, और इस पर कहीं भी हीमोफिलिक जीन नहीं, बॉय नॉर्मल। थर्ड बॉक्स में एक्स 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 एच कंडीशन, एक्स एक्स गर्ल और हीमोफिलिक जीन एक्स के ऊपर, एक ही एक्स के ऊपर तो गर्ल कैरियर या वाहक, एक्स वाई लड़का सामान्य। तो इस क्रॉस में हम लोग जब देखें कि नॉर्मल फीमेल थी उसमें कोई भी हीमोफीलिया का जीन नहीं था, तो उसका 50% जो सन था वो नॉर्मल था, क्योंकि यहाँ पर हीमोफीलिया का जीन जो है क्रिस क्रॉस पैटर्न में इनहेरिट होता है मदर से सन में, मदर में नहीं था इसलिए बेटा भी नॉर्मल था। हीमोफीलिया का जीन फादर में था, तो फादर में होने के कारण गर्ल में आया हीमोफीलिया का जीन, किंतु गर्ल कैरियर हुई क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोजोम पे हीमोफीलिया का जीन आया, इसलिए गर्ल कैरियर या वाहक, यानी 50% गर्ल कैरियर या वाहक और 50% सन या बेटा जो हुआ वो नॉर्मल था। केस टू में कैरियर फीमेल को क्रॉस कराना है या मैटिंग कराना है नॉर्मल मैन से, तो कैरियर फीमेल मतलब वाहक स्त्री, उसका जेनोटाइप क्या होगा, उसके एक एक्स क्रोमोजोम पे हीमोफीलिया का जीन एक्स एक्स एच और नॉर्मल मैन है तो वहाँ पे कोई हीमोफीलिया का जीन नहीं, नॉर्मल एक्स वाई क्रोमोजोम में। अब दोनों पेरेंट्स में गैमेट बनेंगे, फीमेल में दो गैमेट, एक में एक्स दूसरे में एक्स एच, मेल में भी दो गैमेट, एक एक्स गैमेट एक वाई गैमेट। अब पनेट स्क्वायर बोर्ड में एक तरफ मेल गैमेट लिख देंगे, एक तरफ फीमेल गैमेट, मेल गैमेट एक्स एंड वाई, फीमेल गैमेट एक्स एंड एक्स एच क्रॉस कराते हैं। फर्स्ट फीमेल गैमेट को दोनों मेल गैमेट से फर्स्ट बॉक्स में लिखेंगे एक्स 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 वाई। अब सेकेंड फीमेल गैमेट को दोनों मेल गैमेट से एक्स एच एक्स एक्स एच वाई। अब हम लोग इसका जेनोटाइप लिख देते हैं, जेनोटाइप मिलकर इसका फेनोटाइप लिखते हैं। एक्स एक्स लड़की नॉर्मल, एक्स वाई लड़का, कहीं भी हीमोफीलिया का जीन नहीं, लड़का नॉर्मल। लड़की एक्स एच एक्स थर्ड वाले बॉक्स में एक्स एच एक्स 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 लड़की, एक हीमोफीलिया का जीन एक्स क्रोमोजोम के ऊपर, लड़की कैरियर। फोर्थ बॉक्स में कंडीशन एक्स एच वाई, एक्स वाई लड़का और एक एक्स क्रोमोजोम के ऊपर हीमोफीलिया का जीन, यानी लड़का हीमोफीलिक। तो इस कंडीशन में कैरियर फीमेल होने के कारण हीमोफीलिया का जीन एक एक्स क्रोमोजोम पर था फीमेल के ऊपर, जिसके कारण 25% लड़का हीमोफीलिक हुआ, 25% लड़का उसका सामान्य होगा और फादर नॉर्मल थे, फादर में कहीं भी हीमोफीलिया का जीन नहीं था, तो 25% लड़की नॉर्मल हुई और 25% लड़की उनकी कैरियर होगी। तीसरा केस है अगर हीमोफिलिक स्त्री या हीमोफिलिक वोमेन को क्रॉस कराएंगे नॉर्मल मैन या सामान्य पुरुष से, क्या कंडीशन बनेगा। तो हीमोफिलिक स्त्री है, यहाँ पे भी साइन थोड़ा सिंबल गलत हो गया, हीमोफिलिक स्त्री उसका जेनोटाइप क्या हो जाएगा। हीमोफिलिक केस में उस पर दोनों एक्स पर हीमोफीलिया का जीन एक्स एच एक्स एच और नॉर्मल मैन है तो एक्स वाई क्रोमोजोम जेनोटाइप होगा मेल का। अब फीमेल में दो तरह के गैमेट बनेंगे एक्स एच और एक्स एच, मेल में भी दो तरह के गैमेट बनेंगे एक्स एंड वाई। पनेट स्क्वायर बोर्ड में क्रॉस कराएंगे ऊपर में मेल गैमेट नीचे में फीमेल गैमेट, मेल गैमेट एक्स एंड वाई, फीमेल गैमेट एक्स एच एक्स एच। फर्स्ट फीमेल गैमेट को हम लोग क्रॉस करा रहे हैं मेल गैमेट से, रिजल्ट एक्स एच एक्स फर्स्ट बॉक्स में, एक्स एच वाई सेकेंड बॉक्स में, एक्स एच एक्स थर्ड बॉक्स में, एक्स एच वाई फोर्थ बॉक्स में। जेनोटाइप एक्स एस फर्स्ट बॉक्स में लड़की और एक एक्स क्रोमोजोम पर हीमोफीलिया का जीन लड़की कैरियर या वाहक, सेकेंड बॉक्स में
XHY लड़का और एक एक्स पर हीमोफीलिया का जीन लड़का। हीमोफीलिक XHX क्रोमोजोम यानी लड़की और एक एक्स क्रोमोजोम पर हीमोफीलिया का जीन यानी लड़की कैरियर या वाहक। XY क्रोमोजोम लड़का और एक्स क्रोमोजोम पर हीमोफीलिया का जीन यानी लड़का हीमोफीलिक। इस तरह से इस केस में हम लोग देख रहे हैं मदर हीमोफीलिक थी, उसके दोनों एक्स क्रोमोजोम पर हीमोफीलिया का जीन। तो यहाँ पर 50% जो बॉय जन्म लेंगे, लड़का जन्म लेगा, वो हीमोफीलिक होगा और फादर नॉर्मल थे। तो वहाँ पर 50% गर्ल जो बॉर्न होगी, नॉर्मल मतलब फादर के ऊपर कोई भी हीमोफीलिया का जीन नहीं था, तो 50% गर्ल जो है कैरियर या वाहक होंगी, उसमें हीमोफीलिया का जीन रहेगा मगर वो डिजीज़ से अफेक्टेड नहीं होंगी। केस 4, अगर फीमेल है और वो कैरियर है और उसका क्रॉस कराया जाता है मेल से, हीमोफीलिक मेल से, तो क्या कंडीशन होगा? फीमेल का जेनोटाइप क्या होगा? कैरियर है तो XXH, एक एक्स क्रोमोजोम पर हीमोफीलिया का जीन, और मेल हीमोफीलिक है तो उसका जेनोटाइप होगा XHY, क्योंकि ये हीमोफीलिया का जीन एक्स क्रोमोजोम पर रहता है, वाई पर नहीं। फीमेल में दो गैमेट बनेंगे, एक एक्स और दूसरा XH, और मेल में भी दो गैमेट, XH और वाई। पनेट स्क्वायर बोर्ड में एक तरफ मेल गैमेट लिख दिए XH एंड वाई, एक तरफ फीमेल गैमेट लिख दिए X एंड XH। फर्स्ट फीमेल गैमेट को क्रॉस कराएंगे दोनों मेल गैमेट से, तो XXH XY XXH XH XY। अब जेनोटाइप पता है, फेनोटाइप हम लोग लिख लेते हैं। XX लड़की, एक एक्स क्रोमोजोम पर हीमोफीलिया का जीन, लड़की कैरियर या वाहक। XY दूसरे बॉक्स में लड़का, कोई हीमोफीलिक जीन नहीं, लड़का नॉर्मल या सामान्य। XX मतलब तो लड़की, दोनों पर हीमोफीलिया का जीन यानी लड़की हीमोफीलिक। XXY लड़का, एक एक्स पर हीमोफीलिया का जीन, लड़का हीमोफीलिक। फोर्थ केस में हम लोग देखें, जब कैरियर फीमेल को क्रॉस कराए हीमोफीलिक मैन से, तो 25% लड़की जो है वो कैरियर है, 25% लड़की हीमोफीलिक होगी, 25% लड़का नॉर्मल, 25% लड़का हीमोफीलिक। तो हम लोग क्रिस क्रॉस पैटर्न पे देख लिए 3-4 एग्जांपल के द्वारा कि हीमोफीलिया का जीन किस तरह से ट्रांसमिट हो रहा है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अब हम लोग दूसरे सेक्स लिंक बीमारी या एक्स क्रोमोजोम पर उपस्थित अप्रभावी जीन के कारण होने वाली बीमारी या लैंगिक संलग्न बीमारी के बारे में पढ़ लें। इसका एग्जाम्पल है वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस। और कलर ब्लाइंडनेस बीमारी भी एक्स क्रोमोजोम पर उपस्थित अप्रभावी जीन के कारण होती है, और इस बीमारी को सबसे पहले खोजा था विल्सन ने 1911 में। यह अनुवांशिक बीमारी एक्स क्रोमोजोम पर उपस्थित अप्रभावी जीन के कारण होती है, और कलर ब्लाइंडनेस का अप्रभावी जीन स्मॉल सी, और ये एक्स क्रोमोजोम से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स के ऊपर स्मॉल छोटा जीन, या एक्स को हम लोग सिंगल लाइन से भी डिनोट करते हैं, तो सिंगल लाइन के ऊपर स्मॉल सी जीन। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को क्या है, लाल या हरे रंग में अंतर नहीं दिखाई देता है, तो ये मेन सिम्टम है कलर ब्लाइंडनेस का, और साथ में रेटिना पर कोन सेल या शंकु कोशिका का निर्माण भी कम हो जाता है। इस बीमारी में स्त्रियां वाहक होती हैं, कैरियर होती हैं, इसमें हीमोफीलिया का जीन, इसमें कलर ब्लाइंडनेस का जीन होता है, मगर वो खुद कलर ब्लाइंड नहीं होती, रोग से ग्रसित नहीं होती हैं, किंतु स्त्रियों से ये पुत्र में स्थानांतरित होगा और पिता से बेटी में, मतलब इस बीमारी का भी स्थानांतरण क्रिस क्रॉस पैटर्न में होता है। इनहेरिटेंस पैटर्न इसका भी क्रिस क्रॉस पैटर्न है, मदर से सन, फादर से डॉटर, यानी माता से बेटे में और पिता से बेटी में। लाल वर्णांधता या रेड कलर ब्लाइंडनेस, इस बीमारी को हम लोग बोलते हैं प्रोटोनोमिया, जिसमें लाल रंग ठीक से दिखाई नहीं देता। और हरा वर्णांधता या ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, इस बीमारी को कहते हैं ड्यूटेरोनोपिया, इसमें हरा रंग ठीक से दिखाई नहीं देता।
इसको भी कुछ एग्जाम्पल के द्वारा देख लें, किस तरह से क्रिस क्रॉस पैटर्न में कलर ब्लाइंड का जीन स्थानांतरित हो रहा है मदर से सन में और फादर से डॉटर में, और किस तरह से इनहेरिट होगा जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन क्रिस क्रॉस पैटर्न में। तो पहला कंडीशन है क्रॉस कराना है नॉर्मल वोमेन को या सामान्य स्त्री को कलर ब्लाइंड मैन या वर्णांत पुरुष से, तो नॉर्मल वोमेन का जेनोटाइप क्या होगा, एक्सएक्स क्रोमोजोम, और वर्णांत पुरुष यानी कलर ब्लाइंड मैन है तो ये कलर ब्लाइंड का स्मॉल सी जीन एक्स क्रोमोजोम से लिंक्ड रहता है वाई पर नहीं, तो मेल का जेनोटाइप एक्स सी वाई। अब फीमेल में दो गैमेट बनेंगे एक्स एक्स और मेल में दो गैमेट बनेंगे एक्स एन वाई। अब पनिट स्क्वायर बोर्ड में मेल गैमेट लिख दिए ऊपर में, फीमेल गैमेट साइड में, मेल गैमेट एक्स सी एन वाई, फीमेल गैमेट एक्स एन एक्स। अब दोनों फीमेल गैमेट को मेल गैमेट से क्रॉस कराते हैं, फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे एक्स एन एक्स सी एक्स एन वाई एक्स एन एक्स सी एक्स एन वाई। इस तरह से चारों बॉक्स में जेनोटाइप मिल गया कि क्रॉस कराने से क्या प्रोबेबिलिटी है, कितने तरह के लड़के या लड़की संतान उत्पन्न होगी, कौन सा कलर ब्लाइंड होगा, कौन नॉर्मल होगा, इसका रिजल्ट देख लेते हैं। तो पहले बॉक्स में जेनोटाइप एक्स एक्स सी है, एक्स एक्स मतलब लड़की, और एक्स एक्स क्रोमोजोम के ऊपर कलर ब्लाइंड का जीन यानी लड़की कैरियर या वाहक। दूसरे बॉक्स में एक्स वाई क्रोमोजोम लड़का, कहीं भी कोई कलर ब्लाइंड जीन नहीं, लड़का नॉर्मल। एक्स एक्स सी जीन लड़की, एक्स एक्स क्रोमोजोम है लड़की, और एक्स एक्स क्रोमोजोम के ऊपर कलर ब्लाइंड का जीन लड़की कैरियर या वाहक। फोर्थ बॉक्स में एक्स वाई लड़का नॉर्मल। तो जब हम नॉर्मल वुमेन का क्रॉस करा रहे हैं कलर ब्लाइंड मैन के साथ तो क्या रिजल्ट आया, नॉर्मल वुमेन है उसमें कहीं भी कलर ब्लाइंड का जीन नहीं, तो उसका 50% बॉय बेबी जो होगा वो नॉर्मल या सामान्य होगा, और फादर में कलर ब्लाइंड का जीन होने के कारण 50% गर्ल जो है वो कैरियर या वाहक होगी। केस टू, कलर ब्लाइंड वुमेन वर्णांत स्त्री को हम क्रॉस कराएंगे कलर ब्लाइंड मैन या वर्णांत पुरुष से, तो क्या रिजल्ट होगा, कलर ब्लाइंड वुमेन का जेनोटाइप अब ये वाहक नहीं है, कैरियर नहीं है, तो इसके दोनों एक्स क्रोमोजोम के ऊपर कलर ब्लाइंड का जीन, अगर वो कलर ब्लाइंड है तो स्त्री का जेनोटाइप या फीमेल का जेनोटाइप हो जाएगा एक्स सी एक्स सी, एंड मेल कलर ब्लाइंड है तो उसके एक एक्स क्रोमोजोम पर सी जीन, वाई पर नहीं, तो मेल का जेनोटाइप एक्स सी वाई। फीमेल में गैमेट बनेंगे दो, एक में एक्स सी दूसरे में भी एक्स सी जीन, और मेल में दो गैमेट एक्स सी एंड वाई। अब पनेट स्क्वायर बोर्ड में ऊपर में मेल गैमेट एक्स सी एंड वाई, फीमेल गैमेट इधर लिख दिए एक्स सी एंड एक्स सी। मेल गैमेट को क्रॉस किए फीमेल गैमेट को क्रॉस किए दोनों मेल गैमेट से, फर्स्ट लाइन में लिखिए एक्स सी एंड एक्स सी एक्स सी एंड वाई। एक्स सेकेंड फीमेल गैमेट को दोनों मेल गैमेट से एक्स सी एंड एक्स सी एक्स सी एंड वाई एक्स सी। अब जेनोटाइप मिल गया, चार संतान मिल गए। जेनोटाइप को देख करके हम लोग फेनोटाइप बता सकते हैं, एक्स एक्स मतलब लड़की, और दोनों एक्स के ऊपर कलर ब्लाइंड का जीन लड़की कलर ब्लाइंड। दूसरा बॉक्स में एक्स सी वाई, एक्स वाई क्रोमोजोम लड़का, और एक्स क्रोमोजोम के ऊपर सी कलर ब्लाइंड का जीन यानी लड़का कलर ब्लाइंड। थर्ड बॉक्स में एक्स एक्स जीन लड़की, और दोनों एक्स के ऊपर कलर ब्लाइंड का जीन लड़की कलर ब्लाइंड। और फोर्थ बॉक्स में एक्स सी वाई, एक्स वाई लड़का, और एक एक्स क्रोमोजोम पर कलर ब्लाइंड का जीन यानी लड़का कलर ब्लाइंड। तो यहाँ पर जब कलर ब्लाइंड वोमेन, यहाँ पर वोमेन के पास दोनों एक्स क्रोमोजोम पर कलर ब्लाइंड का जीन, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या हो गया, माँ में कलर ब्लाइंड का जीन था तो 50% लड़का जो है कलर ब्लाइंड है, और फादर में भी कलर ब्लाइंड का जीन था, फादर भी कलर ब्लाइंड थे, तो 50% गर्ल चाइल्ड भी कलर ब्लाइंड होंगी। केस थ्री में अगर कैरियर है कलर ब्लाइंड फीमेल है, वाहक वर्णांत स्त्री है, और उसका क्रॉस करा रहे हैं नॉर्मल मेन से या सामान्य पुरुष से, तो क्या रिजल्ट होता है क्रिस क्रॉस पैटर्न के आधार पे, किस तरह से कलर ब्लाइंड का जीन डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पर एक केस में और देख लें, हम लोग सब देख लेते हैं। पेरेंट फीमेल कैरियर है तो एक इसका जेनोटाइप एक्स एक्स एक एक्स के ऊपर कलर ब्लाइंड का जीन, मेल नॉर्मल है तो एक्स वाई। अब फीमेल में दो तरह के गैमेट बनेंगे एक्स एंड एक्स सी, मेल में भी दो तरह के गैमेट बनेंगे एक्स एंड वाई। मेल गैमेट को पनेट स्क्वायर बोर्ड में ऊपर लिख दिए एक्स एंड वाई,
दो नॉर्मल मेन था, दो गैमेट एक्स एंड वाई, फीमेल गैमेट बना था, फीमेल कैरियर थी तो दो गैमेट बना था, एक एक्स एंड एक्स सी। अब फर्स्ट मेल गैमेट को हम लोग क्रॉस कराते हैं दोनों मेल गैमेट से, रिजल्ट एक्स 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 एंड वाई। अब सेकेंड फीमेल गैमेट को क्रॉस करा रहे हैं दोनों मेल गैमेट से, एक्स सी एंड एक्स एक्स सी एंड वाई। अब जेनोटाइप मिल गया, चार संतान मिले, एक्स एक्स लड़की, और इस पे कहीं भी कलर ब्लाइंड का जीन नहीं, लड़की नॉर्मल, एक्स वाई लड़का, और कहीं भी कलर ब्लाइंड का जीन नहीं, लड़का नॉर्मल। थर्ड बॉक्स में एक्स सी एक्स 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 लड़की, और एक क्रोम एक्स क्रोमोजोम पर कलर ब्लाइंड का जीन, लड़की कैरियर या वाहक, एक्स सी वाई लड़का, और लड़का कलर ब्लाइंड। तो जब हम लोग कैरियर फीमेल को क्रॉस करा रहे हैं नॉर्मल मेन से, नॉर्मल मेन में कहीं भी कलर ब्लाइंड का जीन नहीं, तो उसकी लड़की सामान्य और वाहक होगी। और मदर में कलर ब्लाइंड का जीन था, जिसके कारण 25% लड़का नॉर्मल और 25% लड़का कलर ब्लाइंड हुआ। तो इस तरह से हम लोग कलर ब्लाइंड और हीमोफीलिया का क्रिस क्रॉस पैटर्न में इनहेरिटेंस भी देख लिए। अब हम लोग देख लेते हैं रोल ऑफ जेनेटिक काउंसिलिंग इन प्रिवेंटिंग द थैलेसीमिया, थैलेसीमिया के बचाव में जीन काउंसिलिंग की भूमिका। जीन काउंसिलिंग क्या है? ये एक संस्था है या क्षेत्र है जो माता पिता को आनुवांशिक समस्याओं पर सलाह देकर उनके संतान को विभिन्न आनुवांशिक बीमारी से बचाता है तथा संतान को रोगमुक्त रखने में सहायता करता है। इसमें विभिन्न तकनीक, बायोकेमिकल, स्टैटिस्टिकल एवं भौतिक उपाय से रोगों का, आनुवांशिक रोगों का पता लगाया जाता है। और शादी से पहले दंपत्ति आनुवांशिक सलाहकार से मिलकर रोगों की पहचान कर उचित सलाह ले सकते हैं। अगर परिवार में आनुवांशिक बीमारी है तो शादी से भी बचना चाहिए, अगर शादी हो गई तो बच्चे ना लें, इसकी सलाह भी दी जाती है, क्योंकि बच्चा उस आनुवांशिक बीमारी से ग्रसित हो सकता है। अब हम लोग लास्ट पॉइंट इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं, क्या रिलेशन है क्रोमेटिन का डीएनए के साथ और जीन के साथ, इंटर रिलेशनशिप ऑफ क्रोमेटिन डीएनए एंड जीन। क्रोमेटिन कहाँ है? केंद्रक में पतले धागे के समान रचना, जिसे हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं, और ये धागे के समान रचना केंद्रक में जाल जैसी रचना बनाती है, जिसे क्रोमेटिन रेटिकुलम कहते हैं। अब ये जो क्रोमेटिन है किससे बना हुआ है? फाइन बीट्स लाइक स्ट्रक्चर, मोती के जैसी रचना से बना हुआ है। हर मोती को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसोम। क्रोमेटिन बना हुआ है छोटा छोटा मोती के जैसी रचना, जिसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और हर न्यूक्लियोसोम किससे बना हुआ है? हिस्टोन ऑक्टामर यानी 8 हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बनता है, और उसके चारों तरफ डीएनए रैप्ड या लिपटा हुआ रहता है, और उस डीएनए की लंबाई होती है 200 बेस पेयर डीएनए। क्रोमेटिन न्यूक्लियोसोम से बना, न्यूक्लियोसोम हिस्टोन ऑक्टामर और 200 बेस पेयर डीएनए से बना हुआ है। अब क्रोमेटिन जो है से कोशिका विभाजन के समय में छोटा मोटा और संघनित होकर के क्रोमेटिड बनाता है। क्रोमेटिड मतलब जब क्रोमोजोम संघनित होता है, क्रोमेटिन छोटा मोटा और संघनित होता है, मतलब उसका न्यूक्लियोजोम जो था मोती के जैसी रचना दूर दूर थी, जब संघनित होने लगता है तो न्यूक्लियोजोम पास पास आने लगता है, जिससे क्रोमेटिन छोटा मोटा और संघनित होता है और बनाता है क्रोमेटिड। दो क्रोमेटिड मिल करके सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं और बनता है क्रोमोजोम। क्रोमोजोम सबसे संघनित अवस्था में दिखाई देता है मेटाफेज अवस्था में, सबसे स्पष्ट दिखाई देता है मेटाफेज अवस्था में, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोजोम बहुत ज़्यादा संघनित है। यहाँ पर न्यूक्लियोजोम एक दूसरे से काफ़ी सटे हुए होते हैं, क्रोमोजोम काफ़ी मोटा हो जाता है, और हर क्रोमोजोम के ऊपर दानेदार कण के समान रचना पाई जाती है जीन, जो बना होता है डीएनए का। और डीएनए के किस भाग से बनता है? नाइट्रोजन भस्म से। तो इस तरह से क्रोमेटिन के ऊपर है डीएनए, और ये क्रोमेटिन क्रोमोजोम बनाता है, और डीएनए का नाइट्रोजन भस्म जो है वो जीन का निर्माण करता है क्रोमोजोम के ऊपर। एक क्रोमोजोम पर एक डीएनए पाए जाते हैं और जीन असंख्य पाए जाते हैं। मनुष्य में कुल क्रोमोजोम 30,000 के लगभग पाई जाती है। और जीनोम किसे कहते हैं? तो मनुष्य में हैप्लॉइड सेट या हैप्लॉइड अवस्था में क्रोमोजोम पर उपस्थित कुल जीन की संख्या
या डीएनए के समूह को हम लोग जीनोम कहते हैं, यानी हैप्लॉइड अवस्था में 23 क्रोमोजोम के ऊपर जो जीन है, टोटल जीन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोम। मनुष्य में सबसे बड़ा क्रोमोजोम, 23 जोड़ा क्रोमोजोम में से सबसे बड़ा क्रोमोजोम है क्रोमोजोम नंबर 1। इस पर 2968 जीन, 2968 जीन पाए जाते हैं। सबसे छोटा क्रोमोजोम है वाई, जिस पर 231 जीन पाए जाते हैं। थैंक यू, होप कि ये चैप्टर भी आप लोगों को समझ में आ जाए। थैंक यू वंस अगेन।